हेलो व्हाट्सअप का इस मानी इस विनोद बहादुर थापा एंड वेलकम टू जाक्रिप्ट इन हंड्रेड डेज जहां पे हम जास्क्रिप्ट पढ़ नहीं रहे बल्कि हंड्रेड डेज में हम जाक्रिप्ट का जो इंटरव्यू क्वेश्चंस या प्रोग्रामिंग चैलेंज है उसको सॉल्व करें ताकि हम अपने लॉजिक को बिल्ड कर सके क्योंकि आप में से बहुतों का यही प्रॉब्लम कि लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा है तो अब तो होना चाहिए ना जितना प्रोग्रामिंग चैलेंजेस आप लाइक टैकल करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा एंड uh, बताना चाहूंगा गाइस ऑलरेडी जास्ट के वर्ल्ड बेस्ट कोर्स पार्ट वन पार्ट टू एंड ये हमारा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ये भी लॉजिक बिल्ड करने के लिए पूरा स्क्रैच से ई e कॉमर्स वेबसाइट बनाए तो इनको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड खास कर पार्ट वन वीडियो तो जरूर देखिए क्योंकि उसी को ही गाइस उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड आई गेस अभी तक का सबसे सिंपलेस्ट एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन ही होने जा रहा है ठीक है आपको मजा आ जाएगा देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बाय द वे मैंने ये इसलिए रखा ताकि आपका जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए क्योंकि हम सब भूल चुके हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल है वी हैव दिस ट्राइंगल इस तरीके से है ना ये जो ट्राइंगल का अगर तीनों ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल देन हम उसे क्या बोलते हैं अगर कोई भी ट्राइंगल है उसका अगर कोई दो साइड्स इक्वल है या उसके दो एंगल इक्वल है देन हम उनको क्या बोलते हैं या कोई एक ऐसा ट्राइंगल है ना जिसका बेसिकली को, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है देन उसको हम क्या बोलते हैं आप आई नो गाइस नाइन्टी परसेंट आप सब भूल चुके होंगे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस आपको याद था या नहीं अगर आपको याद था देन यस लिखिए अगर आपको याद नहीं था तो नो no लिख दीजिए बस इतना यस नो यस नो कर दीजिए ये आपकी मर्जी जो आपको लिखना तो आप देख सकते हो अगर कोई भी ट्राएंगल के ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ देन रिटर्न इक्विलेटरल क्या बोलते हैं हम उसको इक्विलेटरल तो एक जनरल नॉलेज है आज का ये वीडियो है ना तो ताकि अच्छा इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया कि अगर कोई भी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है हम उसको क्या बोलते हैं ओ माई गॉड ये तो हमने सोचा ही नहीं था बट मैं आज बता रहा हूँ आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैं ठीक है तो अगर तीनों उसका जो लेंथ इक्वल है या तीनों एंगल इक्वल है लाइक सिक्सटी 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 डिग्री देन वो आपका इक्विलेटरल हो गया अगर कोई भी ट्राइंगल में इफ टू साइड्स आर इक्वल ओनली टू साइड्स तीन होते तीन में से अगर कोई भी दो साइड्स आर आप इक्वल लेंथ देन रिटर्न आई सो सीलेस ये स्पेलिंग जो है प्रोनाउंस करना भी थोड़ा सा पता नहीं अब वो लाइक ये वर्ड यूज ना कर करके थोड़ा मुश्किल हो गया बट इट्स आई सो सिलेस और आप कमेंट करके बताना कि आप इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हो या नहीं एंड देन थर्ड वन इट्स लाइक इफ ऑल द थ्री साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ तीनों की तीनों टोटली डिफरेंट लेंथ है डिफरेंट एंगल है कोई सिक्सटी कोई फोर्टी कोई नाइन्टी तीनों अलग हो गया ना देन उसको हम क्या बोलते हैं स्केलिन स्केलिन आई गेस लास्ट का ई इसमें साइलेंट है सो इट्स अ स्केलिन स्केली स्केलिन जो भी हो बट आई होप आपको पता चल गया सो so आज हमें बस यही फिगर आउट करना है क्या ही? देखो ना थ्री 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 मतलब तीनों इक्वल है थ्री फोर थ्री मतलब कोई दो इक्वल है फाइव एट सिक्स मतलब एक भी इक्वल नहीं है तो हमें इसको आज टैकल करना है एंड मैंने कहा था ये अभी तक का सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है जिसमें कुछ इतना है ही नहीं इट जस्ट अब आप आपको ये देखना है कि कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो एंड बाय द वे यहाँ पर टोटल तीन आर्गूमेंट हमने पास की है तो मैंने तीन पैरामीटर ले लेता हूँ सो इफ अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो कैसे इफ ए इट्स ट्रिपल इक्वल टू बी एंड एंड मतलब बी ट्रिपल इक्वल टू सी इट इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कंडीशन है ये ट्रू होना चाहिए एंड ये वाला जो कंडीशन है ये भी ट्रू होना चाहिए अब मैं यहाँ पे ए ट्रिपल इक्वल टू सी क्यों नहीं लिख रहा क्योंकि अगर ए और बी दोनों बराबर है एंड अगर ये जो बी है वो सी के बराबर है तो इसका बाय डिफॉल्ट तो मतलब यही हुआ ना कि ए जो है वो सी के भी तो बराबर हुआ तो क्यों लिखना फालतू का वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन सो ये भी अगर ट्रू होता है A, अगर बी के ट्रू होता है एंड देन बी अगर सी के ट्रू होता है तो अगर दोनों कंडीशन इज ट्रू एंड देन ट्रू देन वॉट डू वी विल रिटर्न ट्रू रिटर्न ट्रू आई मीन रिटर्न ट्रू नहीं सॉरी इट्स अ इक्विलेटरल है ना तो इट्स अ इक्विलेटरल ठीक है अब ये जो पार्ट है हम डायरेक्टली इसको एज इट इज लिख सकते हैं परफेक्ट नाउ यहां पे एक और कंडीशन अब अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल होता है तो अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं कैसे देखो एज ट्रिपल इक्वल टू बी एंड और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा हम ऑलरेडी हमारा ये जो जास्क्रिप्ट के कोर्स है इसमें मैंने आपको बताया है जब आप इसमें हम कंपेरिजन ऑपरेटर एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर जब पढ़ रहे थे उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा इफ ए इज ट्रिपल इक्वल टू बी बी इज ट्रिपल इक्वल टू सी एंड यहां पे मुझे अब कंडीशन लगाना पड़ेगा इफ ए इज ट्रिपल इक्वल टू सी वाला फाइनली अगर ये हुआ ठीक है देन वॉट वी विल डू वी विल रिटर्न ये आइसोसिलेस अब आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट यहाँ पे आ सकता है <laughs> समझ रहे हो यहाँ पे अब आप आपका डाउट थोड़ा सा आ सकता है अरे भाई ये क्या हो गया इतना सारा कंडीशन है यहाँ पे तो हमने क्या बोला कि कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो आपका एसोसलेस कहलाता है यहाँ पे हमने कंडीशन तीन तीन लिख दिए एंड जब भी आप और ऑपरेटर यूज करते हो ना और ऑपरेटर का क्या फंड है जब तक तीनों के तीनों या दोनों के दोनों या बेसिकली जितने भी कंडीशन है सबके सब अगर फॉल्ट नहीं होते हैं तो फॉल्स वैल्यू नहीं आता है अगर चार फॉल्स है लेकिन कोई एक ट्रू हो गया तो भी वो ट्रू आ जाएगा वहां पे समझ रहे यहां पे लेट्स से ये वाला जो ए जो है बी के बराबर नहीं है ये जो बी है वो सी के बराबर नहीं है लेकिन ए और सी वो तो है बराबर तो ये ट्रू हो गया खत्म दो दोनों के दोनों फॉल्स हो गए ये भी फॉल्स हो गया बट एक ट्रू हुआ तो मतलब ये आपका ट्रू हो गया क्योंकि ए और सी ये एक साइड ये दूसरा साइड दो साइड जैसे भी करके ट्रू हुआ ना या दिस इज़ इट एंड लास्ट में तो आपको डायरेक्टली रिटर्न स्केलिन कर देना है स्केलिन या दिस इज इट इस तरीके से सिंपल खत्म और कुछ नहीं करना था अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इसको हटाता हूँ एंड देन रन करता हूँ बोम गाइस इक्विलेट्रल आइसोसिलेस एंड स्केलिन एक काम करता हूँ इसको भी मैं अब फाइव uh, कर देता हूँ ठीक है फर्स्ट वाले को भी मैंने फाइव कर दी तो नाउ इट्स विल बी लाइक आइसोसिलेस आइसोसिलेस एंड देन स्केलिन अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ फिर से रन करता हूँ एंड गाइस सी देखिए हो गया जो मुझे चाहिए था तो हमने हमारी लॉजिक लिख दी आज का बहुत ही ज़्यादा सिंपल था लेकिन यूजफुल था हमारे लिए क्योंकि हमारा जनरल नॉलेज बड़ा अच्छा क्योंकि हम ऑब्वियसली कहा इसमें तो भूल गया था मुझे इक्विलेटरल याद था बट ये जो अगर दो साइड से इक्वल होती है या एक भी साइड इक्वल नहीं होती तो क्या बोलते मैं तो कसम बोलो मैं भूल गया था मैंने बचपन में पढ़ी थी एंड मैंने एक बार पढ़ा तो याद हो गया एंड अगर आप भी बोले तो कोई बुरी बात नहीं भाई नॉर्मल है ह्यूमन कौन बचपन थर्ड फोर्थ में पढ़ा हुआ याद रहेगा अभी आई I मीन mean, <laughs> वो याद है लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स थोड़ी याद रहेंगे समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं बट एटलीस्ट हमें पता तो चला अब कोई अगर फोर्थ क्लास का बच्चा हमसे पूछे बताओ भैया दो साइड इक्वल हो तो क्या बोलेंगे हम बोल सकते भाई आईस हमें नहीं मालूम क्या इतना भी समझ रहे हो सो या दिस इज इट आज इस ब्यूटिकल इतना ही कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो लेट नो इन द कमेंट सेक्शन इसके अलावा भी अगर आपने कोई दूसरे तरीके से सॉल्व किया होगा तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपके मन में कोई और इंटरव्यू क्वेश्चन है या प्रोग्रामिंग चैलेंजेस है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ठीक है सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो को ही बताना चाहूंगा गाइस जास्केट वॉल कोर्स पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड ई कॉमर्स वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ भी भर भर के शेयर कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल टेल गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर